आलिया और पूरब की सगाई हो रही है और उसमें काफ़ी सारा ड्रामा है। मैं नहीं चाहती थी ये सगाई हो, लेकिन क्यों अब पूरब ने, क्योंकि अब पूरब ने डिसाइड कर लिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। पर एक्सेप्ट करने के बाद भी मुझे इस बात का दुख ज़रूर है कि मेरे लिए बुलबुल और पूरब इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ दोनों की शक्ल पे दिख रहा है कि दोनों बहुत उदास हैं, तो उस वजह से मैं परेशान हूँ थोड़ा। हाँ, वो जो रिंग पूरब आलिया को पहनाने वाला था वो रिंग नहीं मिल रही है, तो उस वजह से थोड़ी डिस्ट्रप्शन हो गई है पार्टी में, तो वो सीक्वेंस हम शूट कर रहे हैं। इसके अलावा छोटी मोटी जो अभी प्रज्ञा की नोकझोंक होती रहती है, छोटी क्यूट सी, वो भी होती रहेगी। सो यही सब हो रहा है सगाई पार्टी में। हाँ, वो मुझे इंसल्ट, उनको तो शौक है, वो हमेशा ताना देती रहती है मुझे, तो उनको एक और मौका मिल गया तो ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगी कि मुझे बुरा लगे, तो वही वो कोशिश करती हैं कहने की कि शायद मैंने रिंग चुरा ली हो, पर दादी उनको चुप करा देती हैं। मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट अगर कभी भी कोई भी फंक्शन होता है पर्सनली इन माय लाइफ, तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ, और ख़ास लेकिन मैं ज़्यादा सिल्क या कॉटन टाइप साड़ियाँ पहनती हूँ। यहाँ पे जो हमारी स्टाइलिस्ट है तृप्ति, शी ट्राइज टू डू डिफरेंट थिंग्स फॉर मी, बट शी कीप्स, मतलब इसका क्रेडिट टोटली तृप्ति को जाता है। उसने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है ये साड़ी, ये पूरा लुक उसी का डिसाइड किया हुआ। मैंने तो कुछ नहीं, डेकोरेशन में, जैसे कि आपने कल के एपिसोड में देखा कि मैंने डेकोरेशन में काफ़ी मदद की मैंने, और वैसे ही घर वर का काम वगैरह मैंने बहुत किया है, और जितना मैं कर सकती थी उतना ही किया है। हाँ, क्योंकि सगाई में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि पूरब और बुलबुल की शादी हो, इसलिए मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। थैंक यू।